इन सबके बीच 5 राज्यों में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग पिछले 2 महीने में 5 चुनावी राज्यों का दौरा कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की तैयारियों निगरानी हुई है। अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर रहे हों, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो देखते हैं कि इन 5 राज्यों का चुनावी समीकरण कैसा है और यहाँ के 5 राज्यों का चुनावी समीकरण क्या कहता है। एक नजर मध्य प्रदेश के चुनावी गणित को समझते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। विधानसभा चुनाव 2023, कुल वोटर्स 5,52,00,000, महिला वोटर्स 2,67,00,000 है, पुरुष वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता 2,85,00,000 हैं, दिव्यांगजन 4,85,000 हैं, वहीं नए वोटर्स 18,86,000 हैं। मतदान केंद्र 64,523 हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनावी समीकरण है। मध्य प्रदेश की कुल सीटें कितनी हैं? 230 विधानसभा की सीटें हैं। 230 विधानसभा की सीट में कांग्रेस के पास पहले 114 सीट थी, हालांकि बाद में जब सरकार बीजेपी की बन गई तो ये आंकड़ा घट गया और ये सीट घट गई। बीजेपी के पास उस वक्त 109 सीट थी, और उसके बाद जब 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ तो बम्पर वोटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और ये समीकरण बदल गया। उस समय बीएसपी के 2 थे, एसपी के 1 थे और निर्दलीय 4 थे। अब ये समीकरण फिलहाल बदल गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की जो तस्वीर है, 2008 में जो विधानसभा हुए थे उसमें कुल मतदान 75% हुआ। बीजेपी को वोट शेयर मिला 41%, कांग्रेस को वोट शेयर मिला 41%, और बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 5% था। अब बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार के चुनाव में जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि उम्मीदवार हैं ये उन्हीं पर बेस्ड होगा, और ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो, गोंडवाना हो, या फिर जेएस हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये अपना बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। उधर मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। महाकुल लोक परिसर में उन्होंने दूसरे चरण के कार्यों का भी लोकार्पण किया है। इस मौके पर महाकाल परिसर में दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया है। तपोवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया और कहा कि राजनीति की राहें बड़ी रपटीली होती हैं, कदम पदम पर फिसलने का खतरा होता है, कई बार खुद फिसल जाते हैं तो कई बार चक्कर में डालने वाले भी आ जाते हैं। अपना परिवार, अब मेरा परिवार तो केवल साधना का अर्थ कुणाल नहीं है, सारा मध्य प्रदेश 9 करोड़ जनता ही अपना परिवार है, और उन्हीं की कृपा से मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। अपना परिवार जो आप बैठे हैं, आप सबको भी प्रणाम, महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम। संतों की कृपा सदैव बनी रहे, बिन सत्संग विवेक ना होई, आपके संग के बिना विवेक हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि उनकी राजनीति बदलती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं पार्टी भी इस तरह के संकेत दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश में सभाएं ले रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान लगातार हर जनसभा में बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, आप मुझे बताएं, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप मुझे बनाएं, तब जबकि केंद्र अपने संकेत अलग तरीके से दे रहा है।